गृह कर को लेकर नगर निगम इन दिनों लगातार कार्रवाई कर रही है। वित्तीय वर्ष होने के चलते विभाग द्वारा शहर को चार जोनों में बांटकर गृह कर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते छत्ता जोन की टीम ने छत्ता जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में गृह कर को लेकर जमकर कार्रवाई की है। इन दिनों गृह कर की चोरी करने वालों को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। हाउस टैक्स जमा न करने वाले शहरवासियों के द्वारा अब विभाग की टीमों ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि साल के अंतिम यानी मार्च माह में गृह कर की कार्रवाई को लेकर विभाग में ठोस कदम उठाए हैं। विभाग द्वारा ताजनगरी आगरा के चार जोनों में बांटे हुए गृह कर की चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान जारी कर दिया है। छत्ता जोन के जोनल इंचार्ज विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार छत्ता जोन में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दो दिन की कार्रवाई के दौरान लगभग 25 लाख रुपए का राजस्व शहर से वसूला गया है। जोनल इंचार्ज विजय सिंह बताते हैं कि पूरे जोन में चार टीमों को गृह कर की वसूली के लिए लगाया गया है। बड़े बकायेदारों पर जो भी गृह कर विभाग का बाकी है उसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही है, और जो बकायेदार अपने हाउस टैक्स को जमा कराने में आनाकानी कर रहे हैं उन बकायेदारों को मकान, दुकान और फैक्ट्रियां सीज की कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे नगर आयुक्त महोदय के निर्देशों के अनुपालन जो बड़े बकायादार हैं उन पर वसूली हेतु शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार हमारे जोन की टीमें निकल रही हैं, जिसमें हमने कल भी कई बिल्डरों को, बड़े बकायादारों को जब सीजर की कार्रवाई प्रारंभ की तो उन्होंने हमें 10-15 लाख रुपया कल दिया था। आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग को हम सीज करने आए थे, परंतु भगवंत स्वामी द्वारा हमें 2.5 लाख का तत्काल चेक दे दिया गया है। बकाये की अगर बात की जाए तो कितना बकाया इनके ऊपर निकल पाया? इनके ऊपर 2,80,000 रुपया करीब था, जो 30,000 रुपया इन्होंने कहा है कि हम 2-3 दिन में दे देंगे, वो भी अलग। वहीं सीज की अगर बात की जाए तो कितने भवन ऐसे जिन पर आपने सीजिंग की कार्रवाई की? सीजिंग की कार्रवाई प्रारंभ की है हमने कई भवनों पर, परंतु उन भवन स्वामी द्वारा एक निश्चित धनराशि देकर सीजर की कार्रवाई बचा ली गई। लक्ष्य की बात की जाए तो छत्ता जोन को कितना लक्ष्य? छत्ता जोन को लक्ष्य जो लगभग 12 करोड़ कुछ रुपया करना था, इसमें से 10 करोड़ से के लगभग हमारे द्वारा किया जा चुका है, शेष आगामी दिनों में पूरा कर दिया। छत्ता जोन के अंतर्गत सरकारी कार्यालय भी आते हैं, उन पर भी क्या टैक्स की कुछ कार्रवाई की जाएगी? यहाँ PCF के ऊपर काफ़ी पैसा बाकी है हमारा, DBBNL के ऊपर बाकी है। DBBNL के अधिशासी अभियंता से मेरी बात हुई है, उनके द्वारा कहा गया है 2-3 दिन में हमारे द्वारा उसकी वसूली दे दी जाएगी। कब तक कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी? 31 मार्च तक जो भी ड्यूज हैं हम लोग उसको वसूल। वित्तीय वर्ष के चलते विभाग द्वारा इन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गृह कर की चोरी करने वाले बकायेदारों को अब बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे बकायेदारों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी और गृह कर की वसूली भी की जाएगी। आगरा से प्रातरपन न्यूज के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट।